दोस्तों बागी 3 में होने वाला है नोरा फतेही का धमाका। टाइगर श्रॉफ और श्रद्धा कपूर की फिल्म बागी 3 में होने वाला है आइटम सॉन्ग, जिसमें हमें नोरा फतेही थिरकते नजर आने वाली हैं। बॉलीवुड में आइटम गर्ल के नाम से मशहूर नोरा फतेही का एक धमाकेदार आइटम सॉन्ग बागी 3 में देखने को मिलेगा। फैंस इस आइटम सॉन्ग को देखने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। इससे पहले बागी 3 के दो गाने 10 बहाने 2.0 और बंकर सॉन्ग रिलीज हो चुका है, जो फैंस को बहुत पसंद आ रहा है। अब फैंस भी इंतजार कर रहे हैं बागी 3 के तड़कते भड़कते सॉन्ग का, जिसमें हमें आइटम सॉन्ग करते नजर आने वाली है नोरा फतेही। टाइगर श्रॉफ की बागी 3 एक्शन से भरपूर एंटरटेनिंग फिल्म होने वाली है और साथ ही बागी 3 के सारे गाने चार्ट बस्टर होने वाले हैं। उनमें से दो गाने रिलीज हो चुके हैं। अब फैंस को इंतजार है नोरा फतेही के आइटम सॉन्ग का, जिसमें हमें टाइगर श्रॉफ और नोरा फतेही एक साथ थिरकते नजर आने वाले हैं। और ये आइटम सॉन्ग शोले फिल्म का गाना महबूबा महबूबा हो सकता है, जो दोबारा रिक्रिएट किया जाएगा, जिसे नेहा कक्कर गा सकती हैं और मीट ब्रॉस इसमें म्यूजिक दे सकते हैं। और ये गाना जल्द ही आपको सुनने को मिलेगा, जो हमें फरवरी के लास्ट वीक में सुनने को मिल सकता है। खबरों के मुताबिक नोरा फतेही की जगह दिशा पटानी आइटम सॉन्ग करती दिख सकती है, मगर अभी कंफर्म नहीं है। वैसे आप किसे देखना चाहते हैं बागी 3 के आइटम सॉन्ग में, कमेंट करके जरूर बताएं। आपको बता दें कि बागी 3 में टाइगर श्रॉफ और श्रद्धा कपूर के साथ रितेश देशमुख और अंकिता लोखंडे एज अ लीड रोल में दिखेंगे और ये फिल्म 6 मार्च 2020 को सिनेमा घरों में रिलीज होने जा रही है। क्या आप बागी 3 में नोरा फतेही के आइटम सॉन्ग को देखने के लिए एक्साइटेड हैं, तो कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और बॉलीवुड से जुड़ी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।